नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हवरथिया प्लांट पर है। हवरथिया एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है और सकुलेंट वेराइटीज़ के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उनका जो वाटरिंग मेथड होता है वो डिफरेंट होता है कि अगर हम उनको राइट वे में वाटरिंग करते हैं देन वो आपके पास सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और सकुलेंट वेराइटी के हमारे जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनका जो रिक्वायरमेंट होती है वाटरिंग की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट्स हो चाहे वेजिटेबल्स प्लांट हो। और आज के मेरा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हवरथिया प्लांट के जो वाटरिंग मेथड है राइट वे में वो क्या है। और मेरी इस वीडियो में मेरा साथ अपने वाटरिंग मेथड को शेयर करेंगे वो है हमारे राजा भाई और हमारी रेखा सिस्टर। राजा भाई फ्रॉम गार्डनिंग राजा चैनल से और रेखा सिस्टर फ्रॉम मेहर गार्डन से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जान लेते हैं हमारे इन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, इनका राइट वे क्या है हवरथिया प्लांट को वाटरिंग करने का। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं अपनी रेखा सिस्टर। हेलो दोस्तों, मैं रेखा मेहर गार्डन से। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो प्लांट देख रहे हैं ये हवरथिया का प्लांट है जो कि एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही हवरथिया हैं, सामने वेरिकेटेड हवरथिया है और साइड में सिंपल हवरथिया है। दोस्तों, ये सबकी सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी पत्तियों में जेल भरा होता है, जेल की वजह से इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है और ये फुल सन में चलते हैं। और पानी देते समय मैं हफ्ते में इनको सिर्फ दो बार पानी देती हूँ और पानी देते समय मैं हमेशा फिंगर से चेक करती हूँ कि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप पानी बिल्कुल ना डालें और पानी इनकी हमेशा जड़ों में वाटरिंग करें। दोस्तों, जड़ों में वाटरिंग करने से ही ये प्लांट चलता है। आप इसको ऊपर से शावर कभी ना करें, तो आप ये फुल सन में रखें तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी सकुलेंट को, स्पेशली हवरथिया को, इनके वाटरिंग का कौन सा तरीका, कौन सी टिप इस्तेमाल करनी चाहिए, बेस्ट वाटरिंग मेथड है वो सॉक एंड ड्राई है। यानी कि जब आपने पानी इसको देना है तो इसे कंप्लीट सॉक करें, अच्छे से पानी दें और फिर तब तक आपने दोबारा पानी इसे नहीं देना जब तक ये मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो चुका हो, इसकी मिट्टी ड्राई ना हो जाए तो तब आपने इसको पानी नहीं देना। तो ये सॉक एंड ड्राई का जो मेथड है ये तमाम सकुलेंट्स के साथ बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है, अच्छी ग्रोथ होती है उसमें, तो आप इसको अपना सकते हैं। बाकी तो चीज़ें जो हैं वही हैं, क्या इसको वार्मर प्लेस चाहिए, सनलाइट आप इसे ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम भी हो तो उसमें भी ये ग्रोथ कर लेता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राजा भाई एंड रेखा सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वाटरिंग मेथड हमसे शेयर किया। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं भी अपनी वाटरिंग मेथड आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एक बहुत खूबसूरत पत्तों वाला देखने वाला एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट हवरथिया प्लांट है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, वेरी इजी टू केयर। इन शॉर्ट, अगर मैं इसकी केयर को एक्सप्लेन करूं तो लेस वाटर, लेस फर्टिलाइज़र और लेस सनलाइट में इस प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से रहती है। एक सकुलेंट को ग्रो करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट अदा होता है वो है वाटरिंग का रहता है। कम पानी में ये जो प्लांट है वो आपके पास सर्वाइव कर जाएंगे, बट अगर आप इन पौधों को ओवर वाटरिंग करेंगे या इनके पॉट में पानी जो है वो ज़्यादा देर तक रुका रहेगा तो ये प्लांट जो है वो आपके पास कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके आप इन पौधों को कम पानी दीजिए जिसमें इनकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चले। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब तक इनकी मिट्टी जो है वो एक दो इंच तक जो है वो ड्राई ना हो जाए तब तक आप इनको वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। सर्दी हो या गर्मी एक नियम बना ले बैलेंसिंग वाटर करने का। समर में पॉट जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। और जितना हो सके इनको वार्म टेम्परेचर दीजिए और इनकी मिट्टी को ड्राई बेसिस पर रखिए। तो आशा करती हूँ आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।